बारहवीं पास छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खबर। पार्ट वन में एडमिशन की तिथि घोषित। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन का फॉर्मेट आ गया है, ये ऑनलाइन के लिए फॉर्मेट है। इसी प्रकार का फॉर्म आप लोगों का भरा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि नाम भरा जाएगा, माता का नाम, पिता का नाम, सभी जानकारी। तो यहाँ पर हम आपको सभी जानकारी देने वाले हैं कि ऑनलाइन कब से शुरू होंगे और ऑनलाइन की आखिरी तिथि क्या होगी, मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, नामांकन किस प्रकार से होगा, नामांकन शुल्क कितने लगेंगे। तो तमाम बातों की जानकारी इस वीडियो में पाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए सभी जानकारी को सही से हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्नातक प्रथम खंड सत्र 2020-21 का एकेडमिक कैलेंडर जारी। यानी अब जो आपका एडमिशन होगा पार्ट वन में वो सेशन होगा आपका 2020-21। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2020-21 का एकेडमिक कैलेंडर गुरुवार को जारी कर दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी स्नातक प्रथम खंड में नामांकन के लिए UMIS पोर्टल से 1 मई से 20 मई तक आवेदन लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो आपका शुरू होगा वो होगा आपको 1 मई को, और ऑनलाइन की अंतिम तिथि क्या है वो आपको है 20 मई। यानी आप जो है 1 मई से लेकर के 20 मई तक आवेदन करेंगे पार्ट वन में एडमिशन के लिए। तो सभी छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खबर है कि पार्ट वन में एडमिशन जो है आपको 1 मई से 20 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब जानते हैं इनके लिए मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जून को चयनित छात्र छात्राओं की सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी 1 जून को जिस छात्र का नाम जिस कॉलेज में जाएगा ये चीज़ जारी कर देगा कि इस छात्र का जो है नाम किस कॉलेज के लिए चुन लिया गया है। उसके बाद देख सकते हैं कि चयनित सूची के आधार पर छात्र छात्राएं 20 जून तक नामांकन ले सकेंगे। तो जिसका जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा वह 20 जून तक नामांकन करवा सकते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं जबकि वर्क का संचालन 2 जुलाई से शुरू किया जाएगा। तो वर्क का संचालन जो है 2 जुलाई से शुरू किया जाएगा। साथ ही नामांकित छात्र छात्राओं का पंजीयन 2 अगस्त से 17 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि यानी फॉर्म भरने की तिथि भी यहां पर दे दिया है, 28 से 15 फरवरी 2021 रखा गया है। यानी 28 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक रखा गया है, यह 2021 में भरा जाएगा। और साथ ही परीक्षा अप्रैल 2021 में आयोजित की जाएगी। कुलपति ने कहा कि UMIS पोर्टल पर विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी अंगीभूत व संबद्ध डिग्री महाविद्यालय की जानकारी उपलब्ध रहेगी। छात्रों को महाविद्यालय व विषय चयन करने में कोई परेशानी न हो इसके लिए पोर्टल पर महाविद्यालय की संख्या, विषयवार सीटों की संख्या सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क 300 रुपये प्रति छात्र रखा गया है। छात्रों की सहायता के लिए हर एक कॉलेज में एक हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। साथ ही शहरी क्षेत्र के अंगीभूत महाविद्यालय में छात्रों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी रहेगी। जहां पर छात्र को केवल 300 रुपये आवेदन शुल्क देने होंगे वहां से किसी भी अंगीभूत व संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के लिए छात्र ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। छात्रों को महाविद्यालय की ओर से निःशुल्क प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा। नामांकन के समय छात्रों को प्रोस्पेक्टस के लिए महाविद्यालय में रुपये नहीं देने होंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क के अलावा 1 भी रुपये किसी भी छात्र को अतिरिक्त नहीं देना है। मौके पर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर नवीन कुमार, PRO डॉक्टर सुधांशु शेखर आदि उपस्थित थे। तो यहाँ पर आपने जान लिया है कि पार्ट वन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे। यह वीडियो को कम से कम 10 ग्रुप में ज़रूर फैला दीजिए ताकि जो भी छात्र इस बार पास हुए हैं सभी छात्र जान सके कि उनका एडमिशन कब होगा। तो
इस एडमिशन से संबंधित तमाम बातों की जानकारी हेतु आप टेलीग्राम पर जाए और वहां पर सर्च करें सम्राट सर मैथमेटिक्स, उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि सभी प्रकार की पेपर कटिंग वहां पर मिलती रहे। या फेसबुक चलाते हैं तो वहां पर सर्च करें SAMRATSIR सम्राट सर। फेसबुक पेज को लाइक करके जुड़ जाए ताकि उस पर जो भी हम पोस्ट करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।